डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी ये कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये इसकी डेफिनेशन है। और अलामा इकबाल इस पर बात करते हैं, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अलामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, और जमहूरियत बड़ी ज़रूरी है। जो ये जो यूरोप के अंदर जब तब्दीली आई, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसमें डेमोक्रेसी का बड़ा अहम रोल था। जब उन्होंने अपनी बादशाहतों से जान छुड़वाई और उसके बाद डेमोक्रेटिक जो पैराडाइम है वो उन्होंने उसको वहाँ उन्होंने अपने साथ छोड़े, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पैदा हुआ वहाँ। लोगों के अंदर सोच में तब्दीली आई, लोगों ने एजुकेशन हासिल की, उसके बाद उसमें जो प्रेस लगे, किताबें ढेर सारी छपी, बड़े बड़े थिंकर्स ने अपनी किताबें छापी, लोग किताबें पढ़ते थे, वो आज भी किताबें बहुत पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं। और हम लोग जब जिन ये गॉसिप्स पे टाइम ज़ाया करते हैं और जिन इस पे टाइम ज़ाया करते हैं फ़ोन्स पे, वहाँ का स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। कभी आप यूरोप जाने का इतफाक़ हो तो आप हैरान होंगे कि वहाँ जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है 2020 का, उसमें 94% अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वो किताबें पढ़ते हैं, और उनकी मिनिमम जो किताब छपती है वो 1 लाख छपती है, और पाकिस्तान में मिनिमम किताब जो है ना वो 200 या 100 छपती है, बहुत होगी तो 1000 छपती है, और वो भी कई साल ख़त्म ही नहीं होती। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग किताबें कितना पढ़ते हैं। तो किताब पढ़ने से उनमें जो शऊर पैदा हुआ, और उसके बाद वो जो उन्होंने चेंज उनके अंदर आया, और अभी भी वो लाखों किताबें वो पढ़ते हैं, उनकी छपती हैं, और यानी अभी भी वो किताबें पढ़ते हैं। यानी जो गैजेट्स हैं जो आप और मैं यूज़ कर रहे हैं, ये उन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो 90 स्टूडेंट जो हैं, जो अमेरिकन जो दुनिया में लीड कर रहे हैं, वो किताबें पढ़ते हैं।